अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको आपके चैनल फ़िज़ाना से मैं वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्सर के हवाले से। अक्सर व बेशतर हमारा माउस वर्क करना छोड़ देता है। जैसे कुछ लोग कोर i7 थर्ड जनरेशन यूज़ कर रहे हैं तो उनका माउस इस तरह देखें लॉक हो जाता है। ये अब देखें, अभी मूव नहीं करेगा और ये अभी मूव करेगा, ठीक है। तो आपका अगर माउस ऐसे लॉक हो जाता है तो आपने सिंपली विंडो नहीं करनी उसकी, तो इसकी भी एक सोल्यूशन है। आपने उसकी विंडो डायरेक्ट विंडो नहीं कर लेनी, उसकी भी एक सेटिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने सिंपली माउस पे आना है, ये आप देख सकते हैं, ये अब मूव हो रहा है, ये अब मूव नहीं होगा, ठीक है, ये लॉक हो गया। तो हमें पता ही नहीं होता और हम लोग अपना मतलब विंडो वगैरह करके और अपना डेटा जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो हम लॉस कर देते हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम ये माउस लॉक माउस को अनलॉक कैसे करेंगे। तो आप ये देखें, ये माउस देखें आप, ये आप देख सकते हैं ये माउस है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये कर्सर मूव हो रहा है, ये देखें कर्सर मूव हो रहा है। और ये देखें अब ये लॉक हो जाएगा। आपने यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक करना है, ये देखें डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे लाइट चल जाएगी, ठीक है। और ये माउस लॉक हो गया और ये माउस आप देख सकते हैं लॉक हो चुका है। ये जब जैसे ये लाइट जलेगी तो आपका ये माउस लॉक हो जाएगा, ठीक है। और आपने वहाँ यहाँ पे आके दोबारा ये जो लाइट जल रही है ना, यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है और ये लाइट बंद हो जाएगी और ये आपका माउस मूव होने लग जाएगा। तो ये थी क्लास, आज की छोटी सी क्लास, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।